हे गाइस, वंस अगैन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं स्कैम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके साथ यहां पे हो सकता है। जी हां, अगर आप यहां पे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई कोई भी सिम यहां पे अगर परचेज करते हैं न्यू, तो यहाँ पे आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे? अगर मान लीजिए आप कोई भी सिम बाहर सड़क पे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कैनोपी लगा के कैनोपी बॉय खड़े रहते हैं, वहाँ से अगर आप सिम लेते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में यहाँ पे फंस जाएं। कैसे, वो आगे आपको यहाँ पे बताएंगे। गाइस, अगर आप कोई भी न्यू सिम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस स्कैम से बच सकते हैं। कैसे? आप जब भी कोई भी सिम ले, आप एक पर्टिकुलर स्टोर से ले, कोई भी रिटेल शॉप पे जाके ले, जियो स्टोर जैसे है, जियो का अगर सिम लेना चाहते हैं तो जो भी नहीं कि जियो स्टोर पर ले, कोई भी रिटेल शॉप हो जो एक परमानेंट शॉप होता है, जैसे बहुत सारे जो है सीएससी वीएलईस होते हैं, वो भी अब सिम वगैरह जो है सेल करते हैं, और बहुत सारे जो मोबाइल के शॉप होते हैं वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं, ना कि आप किसी भी रोड पर किसी ऐसे कैनोपी बॉय से जो यहाँ पर कैनोपी ले के खड़े रहते हैं उनसे। होता क्या है यहाँ पे, स्कैम के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पे फंस सकते हैं। दरअसल मान लीजिए आपको एक न्यू सिम की ज़रूरत होती है, आप सिम लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कैनोपी बॉय होता है वो आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे सिम देता है। सारा कुछ लीगल ही प्रोसेस होता है, मगर होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको सिम देते समय एक दूसरी सिम एक्टिवेट कर देते हैं आपके आधार पे। अब आपको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, आपसे बोलते हैं कि आप थंब लगाइए, आप थंब लगा देते हैं, फिर कहते हैं नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है कि वही सिम कोई दूसरा उस पर एक्टिवेट करके रख लेते हैं, फिर बाद में आपको एक सिम फिर से एक्टिवेट करके दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही आईडी पे दो तीन सिम वो जनरेट कर लेते हैं, फिर उसी सिम को ब्लैक में वो सेल कर देते हैं। होता तो सारा सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे इंक्वायरी की जाए तो वो जो है मिल भी सकते हैं, फंस भी सकते हैं, मगर होता क्या है कि अब आपके आधार पे किसी और को मिला हुआ सिम वो यूज कर रहा, फिर वो फ्रॉड करता है, फिर सर्च होता है, ये होता है कि फ्रॉड हो रहा। पहले क्या था, ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत सारे एजेंट होते थे, एजेंट बना के जो है यहाँ पे हो जाता था, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, मगर अभी भी आपको अगर सिम लेना है तो आप कोई भी सिम अगर लेने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर एक स्टोर से ले। जैसे कि इस समय बहुत सारे लोग जो है बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर करा ले रहे हैं, वो सस्ता भी देते हैं, और सस्ते के चक्कर में वो ये नहीं जानते कि फ्यूचर में उसका क्या यहाँ पे आपको लॉस होने वाला, आप बहुत बड़ी मुसीबत फंस सकते हैं। कोई ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें आपका यहाँ पे नाम आ जाए, हो सके आप ही का यहाँ पे जो है आधार से यूज करता हुआ कोई सिम पकड़ा जाए, फिर आपको वहाँ पे पुलिस पकड़ के ले जाए। तो ऐसे में क्या है कि आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, जब भी सिम ले एक पर्टिकुलर स्टोर पे ले जो एक परमानेंट स्टोर होता है, वहाँ पे क्या होता है उनको एक रिटेल आईडी दी जाती है और वो वहाँ पे एक स्टोर पे बैठे होते हैं, और वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि उनको भविष्य में भी अपना स्टोर चलाना होता, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और कैनोपी बाय क्या होता है, आज वो ज्वाइन करते हैं, वो एक तरह से यहाँ पे रिटेलर नहीं होते, वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही वो काम करते हैं, और वो एक प्रमोटर भी होते हैं कंपनी के थ्रू, वो प्रमोटर होते हैं, वो लोग यहाँ पे जो है कहीं कहीं जाके वो कंपनी का जो है मार्केटिंग करते हैं, और उनको एजेंट बनाया जाता है ताकि वो सिम भी प्रोवाइड कर सके। तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ही यहाँ पे जो है उनको पैसे वगैरह देते हैं जिससे वो सिम सस्ती पड़ती है, आपको वहाँ पे ऑफर दिया जाता है। स्टोर पे क्या होता है, ऐसा कोई भी वहाँ पे कोई यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं उनको कोई भी ऑफर्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता, इसलिए वो जो है आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको जो है शॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना उनको बेनिफिट मिलता है उतना काट के, और जितना वहाँ पे पैसा देना होता है कंपनी को तो वो उतना आपसे चार्ज करते हैं। तो जब भी ले, थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में ना पड़े, जेनुअन सिम ले और यहाँ पे आप सेफ रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने का मकसद यही था कि आप कैसे यहाँ पे ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। इन फ्यूचर आप यहाँ पे जैसे कि बीएसएनएल में जाके फ्रॉड कराने वाले हैं तो हो सकता बहुत सारे ऐसे यहाँ पे एजेंट बैठे हों जो कि कल आपको ना मिले और आपके आधार पर कोई दूसरी सिम एक्टिवेट करके वो चालू कर दें। तो बचें, जाके स्टोर से लें और देखते भी रहें वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ताकि आपको वहाँ पे पता भी चल सके। तो दोस्तों, ये था यहाँ पे छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ मन में डाउट है इससे रिलेटेड वो भी आप कमेंट पूछ सकते हैं, और कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप जो है कमेंट बता सकते हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर बता सकता हूँ। आपको कुछ और मन में डाउट है, कुछ सवाल है इसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।